अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सो गाइस, आज बात होने वाली है बैंक ऑफ पंजाब के टर्म डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। बहुत सारे लोग इस बैंक को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हालांकि ये पंजाब का एक बहुत बड़ा बैंक है जो कि बड़े लार्ज पैमाने पर आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है और अच्छे प्रॉफिट रेट्स भी आपको देता है। तो आज हम इसके जिस टर्म डिपॉजिट अकाउंट के बारे में बात करेंगे उसका नाम है बैंक ऑफ पंजाब बोनस मुनाफा टर्म डिपॉजिट अकाउंट। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा इस अकाउंट के बारे में वो ये होंगी कि ये आपको कितना मुनाफा देता है, कितने रुपए से आप लोग यहाँ से मुनाफा लेना स्टार्ट कर सकते हैं, कितना परसेंट आपको मुनाफा दिया जाता है, क्या ये सूद में आता है या नहीं आता है, और आप लोग कितने अरसे के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग वक्त से पैसे निकलवाना चाहें तो क्या ये बैंक आपसे अलग-अलग चार्जेस लेता है, तो मुकम्मल तफसील के साथ इस वीडियो के अंदर आपको आगाह करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग बिजनेस विद अली के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसका नाम है बैंक ऑफ पंजाब बोनस मुनाफा टर्म डिपॉजिट अकाउंट, जो कि एक टर्म डिपॉजिट अकाउंट है। अब इसके अंदर जो साइलेंट फीचर्स हैं इसके, उसके अंदर जाके ये बोनस मुनाफा टर्म डिपॉजिट ऑफर मंथली प्रॉफिट्स ऑन योर सेविंग। अब यहाँ पे इसका जो सबसे बड़ा फीचर वो ये है कि जी ये आपको मंथली प्रॉफिट देते हैं। बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत होती है, और जब मैं कोई टर्म डिपॉजिट अकाउंट या कोई भी ऐसा अकाउंट शेयर करता हूँ जिसके अंदर 3 माह बाद या 6 माह बाद प्रॉफिट दिया जाता है, तो लोग कहते हैं कि जी इतना इंतज़ार आम से नहीं होता। तो इसमें ये है कि आप लोग मंथली आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। यहाँ पर आपको जो मिनिमम प्रॉफिट है वो 6.5% से लेके 7.25% मिलेगा, डिपेंडिंग होता है आपके मुद्दत के ऊपर कि आप कितनी मुद्दत के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आप कहेंगे कि 7.25 तो बहुत कम है, बिल्कुल कम है, लेकिन जरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपके प्रॉफिट में इजाफा हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है अर्न एडिशनल 0.5% पर एनएम टू 3% पर एनएम बोनस प्रॉफिट बाय मेंटेनिंग ओनली 20% ऑफ टोटल अमाउंट एज मंथली एवरेज बैलेंस इन योर लिंक्ड करंट अकाउंट। अब आपको पता है कि जो टर्म डिपॉजिट अकाउंट होते हैं वो किसी ना किसी अकाउंट के साथ लिंक होते हैं, चाहे आपके सेविंग अकाउंट के साथ हो या आपके करंट अकाउंट के साथ हो। तो यहाँ पे इन्होंने एक शर्त रखी है कि अगर आपका जो करंट अकाउंट है जिसके साथ आप लोगों ने इस टर्म डिपॉजिट अकाउंट को ओपन करवाया हुआ है, तो जो उस करंट अकाउंट के अंदर अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसका 25% यानी 25,000 रुपये आपके करंट अकाउंट में पड़ा रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो आपको एडिशनल 3% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। यानी कि 7.25 में से 3% आप ऐड करेंगे तो 10.25% तक का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट जो फीचर्स हैं उसकी, तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे अवेलेबल ऑन फ्लेक्सिबल प्लेसमेंट पीरियड 11 मंथ, 3 मंथ, 1, 3, 6, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 साल और 4 साल और 5 साल की मुद्दत के लिए ये आप लोग जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने वाजह किया कि कस्टमर कैन ओपन लिंक्ड करंट अकाउंट ऑफ एनी टाइप, यानी कि जो करंट अकाउंट है वह किसी भी टाइप का आप ओपन कर सकते हैं, जैसे कि BOP तजारत अकाउंट, BOP लाइफ करंट अकाउंट, BOP सैलरी प्लस अकाउंट, यूथ एजुकेशन अकाउंट। तो यहाँ पे इन अकाउंट्स के नाम दिए हुए हैं जिनको आप लोग एज अ करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ 25% मंथली एवरेज बैलेंस डिपॉजिट इन द लिंक्ड करंट अकाउंट इज नॉट मीट इन एनी मंथ, कस्टमर विल नॉट क्वालिफाई फॉर बोनस प्रॉफिट। यानी कि आपका जो 25% जो आपको मेंटेन करने का कहा गया है, किसी एक माह में भी वो 25% 24% पे आ गया तो आपको प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, जो कि एडिशनल 3% तक का आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप वक्त से पहले पैसे निकलवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर अलहदा से टैक्स लगेगा। इसके अलावा आप लोगों को 90% फैसिलिटी मिल सकती है फाइनेंसिंग की। अब ये क्या होता है, फाइनेंसिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी है और आपका वक्त बुरा आ गया है, तो आप इस पैसे की इन्वेस्टमेंट के इवज जो है वो इस बैंक से लोन ले सकते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हैं। अब बात कर लेते हैं कि जी प्रॉफिट वो कितना बनता है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 7.25% है, हम 7.25% को ही समझ लेते हैं, लेकिन वैसे तो काम ज़्यादा ही है, लेकिन हम 7.25% को कंसीडर कर लें, या हम कह लें कि जी आपने 3% जो है वो प्रॉफिट भी अचीव कर लिया है, यानी कि 7.25+3% तो 10.25 हो गया। अब अगर 50,000 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट है, 50,000 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई देंगे 10.25% से, क्योंकि
7.25% वो प्रॉफिट दे रहे हैं और आपको जो मिल रहा है 3% का बोनस वो भी आप ले रहे हैं। तो आपका प्रॉफिट बनेगा 5,000 के ऊपर सालाना 5,125 रुपये। इसको आप लोग 12 पे तकसीम करेंगे तो आपका बनेगा 427 रुपये प्रॉफिट बनेगा आपका हर माह का 50,000 के ऊपर। अब आपका सालाना कितना बना है 5,125 रुपये। तो यहाँ पे सिंपली 5,125 रुपये को ज़रब दो कर लोगे तो ये आपका 1,00,000 के ऊपर प्रॉफिट निकल के आएगा 10,250 रुपये सालाना। इसको आप 12 पे तकसीम करोगे तो आपका बनेगा 854 रुपये। अब याद रखिए इसमें से आपका टैक्स भी कटना है, ये 1,00,000 के ऊपर माहाना प्रॉफिट है। अगर इसमें से आप लोग 30% अपना टैक्स निकाल लेंगे तो आपको बनेंगे 597 रुपये। 30% जो है वो नॉन फाइलर के लिए, फाइलर का 15% निकलेगा। इसी तरह अगर आप लोग 5,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे 5,00,000 इन्वेस्ट किया आपने, तो उसके हिसाब से 10.25% आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 5,00,000 के ऊपर सालाना प्रॉफिट बनेगा 51,250 रुपये। इसको आप लोग 12 पे तकसीम करेंगे तो आपका महाना का प्रॉफिट बनेगा 4,270 रुपये। इसमें से फाइलर का 15% टैक्स कट जाएगा तो ये मैं काट देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास बनेंगे 3,630 रुपये 5,00,000 के ऊपर महाना फाइलर के लिए। अगर नॉन फाइलर हुए तो मज़ीद 15% हम इसमें से निकाल लेंगे तो नॉन फाइलर को टैक्स कटने के बाद 3,085 रुपये मिलेंगे टैक्स की डिडक्शन होने के बाद। तो आई होप आपकी तमाम पॉइंट्स कवर हो चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप किसी और स्पेसिफिक अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन या वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, और कोई भी परेशानी आप लोगों को तो वहाँ पर आप लोग सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।